ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन, पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplay। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। रमजान में नमाज व तरावीह के सबसे ज्यादा मायने होते हैं, लेकिन कोरोना ने उसे भी मस्जिदों में पूरा नहीं होने दिया। सरकारी आदेश का पालन करते हुए सभी रस्मों रिवाजों को फिलहाल लोग बंद कर इबादत घरों से किसी तरह से करने की कोशिश करते हैं, और यही सही है और लोगों के लिए यही सही भी होगा कि घरों से इबादत लोग करें। मस्जिदों में इमाम व 3 अन्य लोग ही नमाज की फ़र्ज को अंजाम दे रहे हैं। बाकी लोगों ने अपने बच्चों के साथ घर के किसी एक हिस्से में अलविदा की नमाज पढ़ा। रमजान के महीने में आखिरी जुम्मे की नमाज को अलविदा की नमाज कहा जाता है, जिसे लोग छोटी ईद भी कहते हैं। इसमें बरकतों रहमतों का महीना रमजान खत्म होने के करीब होता है। इसके बाद चांद रात होती है। अगले दिन लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। इस नमाज के लिए विशेष जगह होते हैं। ज़्यादातर लोग ईदगाहों में ईद की नमाज जो खुले हैं और खुले मैदान में पढ़ने का हुक्म भी है, लेकिन इंतज़ाम नहीं होने पर लोग मस्जिदों में भी अदा करते हैं। शुक्रवार को लहरिया सराय के बाकरगंज रामा मस्जिद में भी 4 से 5 लोगों ने अलविदा की नमाज लॉकडाउन का पालन करते हुए पढ़ी, और कोरोना से देश व नमाज को अल्लाह पाक से रहम की दुआ भी मांगी गई। सबकी हिफाजत इस बीमारी से रो रो कर दुआ किया गया। रमजान का जो है लास्ट जुमा है, आज अलविदा का दिन है, और जाए तो कहाँ जाए। हम लोग को जो है अलविदा का जो है नमाज भी नसीब नहीं हो पा रहा है, सारी मस्जिदें बंद पड़ी है, करे तो क्या करे। तो फिर आप लोग अभी कहाँ किए नमाज? बस अभी तक तो नमाज का कहीं कुछ पता ही नहीं है, लेकिन लगता है कि जो है अलविदा ना पढ़ के जोहर का नमाज पढ़ा जाएगा, और क्या। आपको क्या लग रहा है? लेकिन मस्जिद कम से कम खुलना चाहिए, काहे कि जो है सबसे बड़ा त्यौहार होता है रमजान का महीना, समझ गए। और पिछले बार से तो है, इस बार यानी कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन इबादत नहीं रुकना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? बस लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। किस जगह पर है आप? ये हाजमा चौक लहरिया सराय। क्या नाम आपका? चांद अंसारी। चाहते हैं देखिए अलविदा की पहले मैं सारे देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ, और बहुत बहुत बधाई भी ये देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जैग सरकार के गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं, इतने बड़े त्यौहार का लोग घर पे पढ़ के, जैसे इस पूरे शहर में भी जैसे पता चला, और हम लोग के गाँव में भी लोग घर पर नमाज अदा किए, हम लोग भी घर पर नमाज अदा किए। क्योंकि ऐसी महामारी है कि महामारी से अगर हम लोग परहेज नहीं करेंगे तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें हम सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। इसी ये लास्ट रमज़ान का अलविदा की नमाज थी, हम लोग घर पे नमाज अदा किए हैं। फिर वक्त अच्छा, बहुत जरूर, बहुत दिन बुरा दिन नहीं रहने वाला है, फिर वक्त अच्छा आएगा, लोग अपने अपने सारे समुदाय के लोग अपना अपना त्यौहार खुशियों के साथ मनाएंगे। अब मनाएंगे जरूर, हम उम्मीद करते हैं मनाएंगे, सब लोग मनाएंगे। कितना महत्व रोज़ा 25 रोज़ा 24 रोज़ा के समथिंग रखता है लोग, और लास्ट में लास्ट जुमा जो होता है वो अलविदा होता है। अलविदा अलविदा अलविदा, वहाँ रमजान रमजान जा रहा है, गीत रहा है, वो उसके में खुशी में लोग ईद की खुशी सामने ईद नज़र आती है, और उसकी खुशी में अलविदा की नमाज होती है, वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन वो सबसे बड़ा महत्व हमको अपने देश के भविष्य को बचाना है, देश को बचाना है, अपने जिला को, अपने राज्य को बचाना है। अगर तब जब तक देश नहीं बचेगा, मानवता नहीं बचेगा, तो अलविदा ही करके अगर हम बीमारी फैला दे तो फिर बेकार, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। तो एकता का प्रतीक दिए हैं यहाँ के लोगों ने, अलविदा का नमाज घर को पढ़ करके सब लोग एकता का परिचय दिए। जैसे कि देखिए रामनवमी में भी लोगों ने त्यौहार जैसे घर नहीं मनाए लोग, माने ईद इसी तरीके से अलविदा भी लोग, सारे समुदाय के लोग सहयोग दे रहे हैं। अब बहुत अफसोस लग रहा है, और मैं कहता हूँ कि मैं संदेश भी देता हूँ कि जितने परिवार के लोग मर गए हैं इस बार, मैं ईद की खुशी मैं मनाने नहीं जा रहा हूँ, और मैं नया कपड़ा पहनने भी नहीं जा रहा हूँ,
अब बहुत सारे लोग इतनी खुशी नहीं मनाए कि कितने घरों में कितने परिवार ऐसे रामनवमी में जिस गली से रहा जय श्री राम का नारा लगता था, आज राम नाम सत का नारा लग रहा है। इस रमजान के महीने टावर पर लोग ईद मिलते थे या कपड़ा खरीदते थे, लेकिन आज वस्त्र ना खरीद के लोगों का भीड़ लगा है कफन का कपड़ा खरीदने में। तो वो त्यौहार और ये दिन देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो ईद हमको नहीं लगता है कि हम लोग की ईद की खुशी होगी। हम लोग तभी खुश होंगे जब हमारा देश खुश होगा और इस बीमारी महामारी से जीत जाएंगे। हारेगा कोरोना, जीतेगा देश, तब हम लोग खुश होंगे, तब हमारी ईद, तब हमारी दिवाली, तब हमारी रामनवमी। वैसे दुकानदारों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो चोरी छिपे अपने सामान को बेच रहे हैं तो वो अपने को अकलमंद न समझें। चोरी छिपे आप अपने मौत को